तो दोस्तों आप लोग कैसे हो। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे, जो लोग चैनल पे नए जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो हम आज एक उस छोटे से पेनी स्टॉक की बात करने जा रहे हैं जो लगातार हमें देखने को गिरावट मिलती थी, वो आज के दिन भी देखे तो लगभग 4.21% की गिरावट देखने को मिली जाती है। बात करें उस पेनी स्टॉक का नाम किया तो ट्रेडनेट पेनी स्टॉक है और इसकी करंट प्राइस जब भी बात करें करंट प्राइस की तो लगभग 48.95 रुपये इसकी करंट प्राइस देखने को मिलती है। मार्केट की बात करें लगभग 3% मार्केट आज के दिन में गिर चुका। 3% भाई बहुत बड़ी बहुत बड़ा मार्केट गिरा है। हम सोचे तो कभी इतना नहीं गिरा होगा, बहुत कम देखने को मिलता है। बाकी आज के दिन में बहुत अच्छा मार्केट गिरा है, फिर भी ये स्टॉक 4.21% का नेगेटिव रिटर्न हमें देखने को मिल रहा है। बात करें इसकी ओपनिंग की तो लगभग ये ओपन हुआ था 48.55 रुपये पे और हाई गया था 50 रुपये पे और लो है 48.55 रुपये पे। तो दोस्तों आप लोगों को बात बता दूँ, एक ये 48 रुपये इसकी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसके बाद में 44 रुपये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो 44 रुपये से तो कुछ भी हो जाए, इससे नीचे ये नहीं गिरने वाला। आप लोगों को बता दूँ इतना मार्केट गिरने के बाद भी स्टॉक माने तो करीबन 4% का लो सर्किट देखने को हमें मिल चुका। तो दोस्तों आप लोगों को एक बात बता दूँ, मानो या ना मानो आने वाले टाइम में ये तूफान होगा, तूफान मचा देगा। वास्ते में बता रहा हूँ, तूफान मचा देगा। आप लोगों को ये चीज़ नोट कर लेना, तूफान आने वाले टाइम में स्टॉक तूफान मचाएगा। बस थोड़ी देरी है, वो है कि मार्केट थोड़ा ठीक ठाक चल जाए, उसकी देरी है। वो अगर ठीक चल गया तो ये स्टॉक तूफान मचा देगा आने वाले टाइम में। भाई साहब पहले बता रहा हूँ, मार्केट कैप की बात करें लगभग 24.31 करोड़ का मार्केट कैप है, जो बहुत बड़ा है, ठीक है। और इसकी न्यूज़ देखें तो लगभग हमें एक न्यूज़ देखने को मिली है क्वार्टर थ्री के रिजल्ट की बात करें तो लगभग हमें ये देख पा रहे होंगे ट्रेडनेट क्वार्टर थ्री रिजल्ट कंपनी और 88% जंप इन प्रॉफिट यार 211 करोड़ का, मतलब 88% का इसने प्रॉफिट किया है, जो जंप करेगा अभी 211 करोड़ पे आके रुकेगा। ये आप देख पा रहे होंगे क्वार्टर थ्री का रिजल्ट आपके सामने है, जो अभी जंप करेगा तो कितना आएगा, 211 करोड़ का प्रॉफिट करेगा। तो 88% का जंप बहुत बड़ा होता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। जितना इस कंपनी ने दिसंबर में 2021 में लास्ट में इतना प्रॉफिट किया है इसने, और अभी बात करें क्वार्टर थ्री के रिजल्ट की तो ये आप देख ही पा रहे होंगे। इस ट्रेडनेट रिजल्ट कंपनी का देखें ना तो अभी 88% दिखा रहा है और आने वाले टाइम में और भी अच्छा दिखा देगा। तो दोस्तों ये वो पेनी स्टॉक नहीं है जो गिर जाए। हाँ गिरावट देखो मार्केट है, उठेगा चढ़ेगा गिरेगा उठेगा फिर भागेगा फिर उठेगा फिर भागेगा, ऐसे ही करता रहता है। तो आप लोगों को एक बात बता दूँ, अभी जिसको भी बाय करना चाहिए ना, वो अभी बहुत अच्छा मौका है, बहुत ज़्यादा अच्छा मौका है। इससे मौका आप लोगों को अच्छा नहीं मिलने वाला। अगर आप लोग बाय करना चाहते हो तो कर सकते हो। जो लोग इसने करीबन 5 दिन की बात करें तो लगभग 1.5-2% का रिटर्न देखने को ही मिलता है, जो कि पॉजिटिव पॉइंट में हमें देखने। बात करें मंथली की तो लगभग 20% की गिरावट इसने मंथली में दे चुका। बात करें 6 मंथ की तो लगभग 6 मंथ में 97-98% का रिटर्न निकाल के दिया। तो इसने करीबन हाई दिया था दोस्तों 68 रुपये का, ठीक है। तो कुछ लोगों ने यहाँ भी बाय किया है 68 रुपये पे, तो उन लोग अब क्यों घबरा रहे हैं, स्टॉक लगातार गिरावट में चल रहा है। तो दोस्तों घबराने वाले ऐसी कोई बात ही नहीं है। तो उन लोगों को मैं बता दूँ, आप लोग थोड़ा सा होल्ड बना के रखिए, बस ज़्यादा टाइम नहीं, 1 मंथ का होल्ड बना के रखो आप लोग। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा भाई साहब इसमें, बहुत कम टाइम लगेगा अभी, और आने वाले टाइम में ये स्टॉक मल्टी वगैरह बन जाएगा और तूफानी मचाएगा, तूफानी। आप लोगों को याद रख लेना ये मेरी बात, हर रोज़ वीडियो बना के बोलता हूँ। तो उस पेनी स्टॉक का नाम आप देख पा लिए होंगे, ट्रेडनेट का पेनी स्टॉक है, तो उस पेनी स्टॉक का नाम देख लिए होंगे। और तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, जो लोग चैनल पे नए जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।